सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग घर पे अच्छे होंगे। एंड क्या बोल रही हूँ, अभी देखिए आज मैंने हेयर वॉश किया है एंड मुझे अभी नेल पेंट लगाना है क्योंकि दिल सुनानी है। एंड फिर मेरा मतलब कल रात को बारिश हुई तो इसी वजह से पता नहीं गला भी पेट किया तो आवाज़ अच्छी सी आ रही है, साइड पता नहीं कुछ आवाज़ आ रही है तो इसलिए ब्लॉगिंग का थोड़ा दिक्कत होती है। एंड चलो थोड़ा पानी पीते हैं क्योंकि टोन्सिल वाला फील आ रहा। तो मतलब क्या बोलते हैं, कल बारिश भी हुई थी, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, मतलब दो तीन दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और कल रात को इतनी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो हवा आ रहा था। तो इसी वजह से मुझे नेल पेंट लगाना है, थोड़ा रील्स भी बनाना है। और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिन से इंस्टाग्राम पे अच्छे लाइक्स नहीं, मतलब अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश हो रही ना, उसे क्या बोलते हैं आसाम में बाढ़ की वजह से, इसी वजह से बहुत लोग इंटरनेट से शाम हो जाता है तो बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, इसी वजह से होगा। फिर हो गया, जाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद। मेरे साइड में स्माइली बैठा हुआ है, जाऊंगी आज कुछ, मतलब अच्छे से रील्स बनाना है, रील्स बनाऊंगी एंड आपको आज नहीं कल बताऊंगी इंसिडेंट क्या हुआ। हाँ चलो आपको आज बता देती हूँ क्या हुआ। उस दिन क्या हुआ, हम लोग कपड़े सुखा रहे थे छत के ऊपर कपड़े सुखा रहे थे। तो ऐसे हम लोग, ऐसे होता था कि हम लोग जैसे तीन, मतलब धूप बहुत होती है तो कल कपड़े का कलर फेड हो जाएगा, इसलिए तीन साढ़े तीन बजे दिन को तो कपड़े सुखाते थे एंड उससे 6:30 हो जाता था, कपड़े उठा देते थे ठीक है। एंड उस दिन क्या हुआ, कल की बात है, तो क्या हुआ कपड़े हम लोग सुखा रहे ना, थोड़ा 6:30 हो गया और पता भी नहीं चला क्योंकि हमारे रूम पे पता नहीं चलता जैसे हवा पता नहीं क्योंकि हमारे ग्राउंड फ्लोर में। तो फिर क्या हुआ, इसलिए हवा चला मुझे तो पता नहीं था, तो जब दी गई ऊपर तो देखती मैं भी गई, हवा बहुत आई थी एंड मुझे पूजा करना था, शाम को मैं पूजा करती हूँ रोज ठीक है। तो मुझे छत से मैं देखी दी आ रही है, कपड़े कुछ लेके आ रही, मेरे कपड़े कहाँ गए, सब कपड़े उड़ गया हवा में, इतनी जोर भयंकर, मतलब इतनी भयंकर, मतलब क्या बोलते हैं हवा आ रही थी जिससे खुद कोई जाता ना उसी को भी उड़ा के ले जाता हवा। फिर क्योंकि मेरा मुझे मेरा ब्लैक फ्रॉक था, मुझे मेरे कपड़े सब उड़ गए, तो एक मतलब फ्रॉक तो मैं ढूंढी, बहुत ढूंढा क्योंकि मेरा वो फेवरेट कलर का था, तो मैं जाकर ढूंढा मैंने तो एक मिल गया। और फिर जब फिर सुबह मैंने फिर रात को, तो क्योंकि रात हो गई थी तो ढूंढनी इम्पॉसिबल था। फिर हम लोग, फिर मैंने मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरे कपड़े उड़ गए, मुझे मेरा जो फेवरेट था वही उड़ गया। तो फिर जब मैं फिर सुबह उठी जो हम लोग ऊपर मतलब ग्राउंड ऊपर जो फ्लोर में फर्स्ट वाला जो रूम है उधर से एक छत के ऊपर मुझे कुछ दिखा ठीक है। तो मैंने उसको फिर उधर से फिर हम लोग देखे, हाँ एक कपड़ा गिरा हुआ ऊपर दिखा था, मुझे लगा मेरा गिरा हुआ है ठीक है। तो हम लोग ऊपर छत के उधर बोले कि हमारा कपड़ा गिरा हुआ अंकल, तो उन्हें छत के ऊपर जाने नहीं दिए, उधर से कपड़ा फेंक दिया। फिर मैंने बोला तब भी मेरा कपड़ा नहीं मिला, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है क्योंकि मेरा वो फेवरेट था, अब वो मिलता भी नहीं है यहाँ पर, और मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, मिलता भी नहीं है। फिर मम्मी जब जाएगी नेपाल तब उधर से लेकर आएंगे, देखते क्या होता है। उस दिन से मूड ऑफ हो गया एंड फिर मैंने हर दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही है तभी आज मैंने डिसाइड किया इस कपड़े जैसे अभी जैसे नहा लो तो कपड़े सुखा देते एंड जैसे काउंट करके 2 घंटे ऐसे होते कपड़े तो सूख जाएंगे, तो रूम पे लेके आ जाते क्योंकि रूम पे सुखाओ कपड़े तो एक अजीब सा अच्छा नहीं लगता, जैसे धूप से सूखना कपड़ा तो अच्छे होते देखते कपड़े। मेरे तो हवा ने ले लिया एंड देखिए यहाँ पे मतलब रिंग लाइट ऑन, मतलब वो पे मेरा दीपक फोन चार्ज होता है, यहाँ पे मेरा फोन चार्ज होता है, यहाँ पे रिंग लाइट अभी जगह नहीं है। तो इधर से जब मैं ऐसे रील्स बनाती हूँ तो वहीं पे रिंग लाइट लगाती हूँ। चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ ओके। सो गाइस जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ रील्स बनाने का, छत पर जब रील्स बना के धूप की वजह से रील्स अच्छी नहीं बनी एंड जस्ट थोड़ा सा रेडी हो चुकी है, मुझे शाम को बनाऊंगी बिकॉज मेरा एवरी टाइम जो भी होता है इतनी टाइम ये बनाती हूँ। एंड मैं आज का ड्रेस कैसे मैंने आपको दिखा दी, 1 पीस है एंड सो फिर जस्ट मैं रेडी हो गई हूँ एंड जाऊँ अभी जाके क्या बोलते मेकअप रिमूव करूँगी बिकॉज मुझे फिर शाम को रील्स बनानी। एंड देखिए गाइस
नेल पेंट लगा चुकी हूँ एंड मुझे नेल पेंट लगाते हुए खत्म हो चुका है एंड फिर मुझे नेल पेंट बर्थडे के टाइम पे खरीदूँगी, अभी तो नहीं है, अभी तो मेरी डेटिंग यही है। अभी जाऊँगी फिर ड्रेस चेंज करूँगी एंड फिर ड्रेस चेंज करके और फिर जाकर फिर थोड़ा रेस्ट करके लंच वगैरह करके फिर जाकर रील्स बनाना है। तो आज मुझे रील्स बनाने में सोच के डिसाइड क्योंकि हर ट्यूजडे में रील्स बनाती हूँ एंड जिस तरह मेकअप कैसे भी कॉमेंट में बताना एंड मेरी ड्रेस कैसे लग रहा है गाइस। ओके थैंक यू सब भाई से बोल रही थी जैसे ही मैं रील्स बना के छत के ऊपर आ गई हूँ धूप की वजह से रील्स कल करूँगी सोचा कल ही करूँगी यार देखती हूँ क्या होता है क्योंकि कल ही करने से ना हेयर डैमेज भी हो जाता है मैं ऑलमोस्ट नीचे का हेयर जो है ना नीचे का हेयर डैमेज भी हो चुका है देखती क्या करती हूँ एंड फिर कल तो बहुत अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी क्योंकि आज थोड़ा से ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाऊँगी ज़्यादा लंबा क्योंकि दूसरा मुझे बहुत काम भी है सो फिर इस वजह से एंड मैंने जो बता दिया फिर मॉर्निंग मैंने जब मॉर्निंग को बनाया था ब्लॉग एंड इसको मैं तो एंड कर देती हूँ क्योंकि फार में शाम को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिल जाएगा तो फिर ब्लॉग बना लूँगी एंड फिर सोचती हूँ कि मैं डेली का दो ब्लॉग पोस्ट करूँगी बट मेरे से नहीं हो पाता एक ही ब्लॉग बहुत मुश्किल से बनता है दो ब्लॉग पोस्ट करना देखती हूँ फिर ट्राई करूँगी क्योंकि यहाँ पर नेट भी नहीं पहुँच रहा जिससे ब्लॉग पोस्ट करने छत के ऊपर जाना पड़ता है वरना ब्लॉग अभी मैं नाइट को पोस्ट करती हूँ तो फिर ब्लॉग डाउनलोड बनाना पड़ता है जब सुबह जाकर पोस्ट होता है तो बहुत दिक्कत होती है दो ब्लॉग तो इम्पॉसिबल है एंड वो कर बाद में हो सकेगा तो मैं दो ब्लॉग पोस्ट करूँगी अभी नहीं कुछ दिन के बाद ट्राई करूँगी अभी तो है एंड यहाँ पर मतलब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है अभी तो धूप आज धूप आ गई है बट बारिश बहुत हो रही है किस किस के वहाँ पर बारिश हो रही है कॉमेंट बना लो ठीक है जाऊँगी फिर कपड़ा बनाना है फिर कपड़ा बनाना है फिर क्लिप भी किया है बहुत अजीब सा आ रहा है क्योंकि बहुत से सन का रे आ रहा है तो इसी वजह से थोड़ा ब्लॉग भी अच्छा नहीं बन पा रहा है चल बट इट्स ओके इतना भी ख़राब नहीं है तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं अपने ब्लॉग क्योंकि आज मेरे को छोटा ब्लॉग बनाया तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग में एक एंड करती हूँ आई होप आपको आज का वीडियो ब्लॉग अच्छी लगी होगी ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड देखिएगा इस मेरी इयर रिंग्स देखिए मैं जब छोटी थी ना तब से इयर रिंग्स पहनी मुझे ये सब छोटा इयर रिंग्स ही अच्छा लगता है वो बेटा को देखती हूँ देखिए इयर रिंग्स मुझे इयर रिंग्स अच्छा ज़्यादा बड़ा इयर रिंग्स देखिए मैं क्योंकि मेरा ईयर भी इतना छोटा है तो ज़्यादा लंबा इयर रिंग्स नहीं पहन सकती मुझे अच्छा भी नहीं लगता छोटा छोटा इयर रिंग्स ही पहनना अच्छा लगता है एंड फिर एंड मेरा ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट में बताना थोड़ा मेज भी बड़ा हुआ है क्योंकि मुझे कपड़ा ये करना है मिला के रखना है तो फिर सो मैं ब्लॉग ए पेंट करती हूँ ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ओके सो बाय।